अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू अ न्यू सीरीज़ ऑफ वीडियोस। दोस्तों, ये सीरीज़ में हम हैं आज लक्की गोट फार्म पर, जहाँ पर होलसेल में उस्मानाबादी बकरे आपको देखने मिलेंगे इंशाल्लाह। ये फार्म सिचुएटेड है महाराष्ट्र और कर्नाटक में अलग अलग जगह पर। हम लोग लक्की भाई से मुलाकात करेंगे, सारी चीज़ें जानेंगे ऑफ दिस इनक्रेडिबल ब्रीड ऑफ उस्मानाबाद। दोस्तों, ये नंबर्स ले सकते हैं आप डिस्क्रिप्शन में, और ये बेहतरीन नस्ल आपको आज हम दिखाने वाले हैं, उस्मानाबादी नस्ल माशाल्लाह, जो महाराष्ट्र की शान है नस्ल। इनके क्या क्या फ़ायदे हैं, ये कैसे पाली जाती हैं, सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में जानने मिलेगी। ज़्यादातर फीमेल्स हैं इसके अंदर, बग भी है माशाल्लाह। और लक्की भाई से भी मुलाकात करेंगे और आपको पूरा एक ब्यौरा देंगे इस नस्ल के बारे में, इस बेहतरीन नस्ल के बारे में। गुड आफ्टरनून सर। आफ्टरनून सो लक्की सर, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके पर्सनली, काफ़ी अच्छा आपका स्वभाव है माशाल्लाह। और ये फील्ड में कब से हैं आप गोट फार्मिंग के? 5 साल हो गए। 5 ईयर्स। और आपको ऐसा क्या लगा कि उस्मानाबादी पे काम करना चाहिए? उस्मानाबादी एक नस्ल अच्छी है, इसमें क्या है, मटन दूध के लिए भी अच्छी है, प्लस इसकी और एक ख़ास बात है, 3 बच्चे देने की कैपेसिटी है इसकी। जी, 3 बच्चे, 2 बच्चे नॉर्मल देती है, जैसे सिरोही वगैरह का कभी कभार एक आ जाता है ना, इसका ऐसा चांसेस बहुत कम है। ये नॉर्मली 2 बच्चे देती है, और एक्चुअली में इसका ये कैस्ट्रॉल है, चिकना जो बोलते हैं ना फैट, हाँ। वो फैट इसके अंदर बहुत कम रहता है, सही है। के लिए नंबर 1 सप्लाई है इसका, है सबसे ज़्यादा इसका ही है, सबसे ज़्यादा सप्लाई इसका ही है। वो 100-200 एक साथ लेके जाते हैं पुणे वाले जी। पुणे से काफ़ी करीब है, 250 किलोमीटर है, 4-5 घंटे का रनिंग है। और ये पूरा उस्मानाबाद क्षेत्र में है? पूरा उस्मानाबादी क्षेत्र है, यहीं मेरा फार्म है, गुलबर्गे में है, सबको मालूम ही है जी। और आपने अलग अलग जगहों पे फार्म बनाया है? मैं बना रखा हूँ, बाकी मेरे से जोड़ के भी, जैसे क्या बोलते हैं उसको, साथ में मिलके भी काम कर सकते हैं, काम कर रहे हैं। बेंगलोर में है, उड़पी में है, कारकला में है, जैसे कई सारे फार्म है, 100 से भी ज्यादा फार्म में ओपन करा रखा हूँ ऑलरेडी, जो कि मेरे नाम से नहीं है, दूसरों के नाम से है। हाँ, लेकिन एक तरीके से माल आप देते हैं, और माल के साथ साथ आप उनको प्रशिक्षण देते हैं, सपोर्ट देते हैं, आफ्टर सेल सपोर्ट काफी जरूरी है। ये ब्रीड के बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे, फिर आपके बिजनेस पे भी आएंगे हम लोग इंशाल्लाह। ये ब्रीड क्या उम्र में आप इसको पहले लोड करा सकते हैं, पहले थोड़ा ये बता। फर्स्ट लोडिंग 8 महीने के समथिंग रहता है। अच्छा, 8 महीने के बाद अपन लोड करा देते हैं। और इस ब्रीड की और एक खास बात है, जो कि 1 साल के अंदर 2 बार बच्चे देती है जी। आज बच्चे दी, 22 डेज बाद यानी 1 महीने के अंदर वो दूसरा लोड उसका चालू। और ये एक साथ 1, 2 या 3, 4 बच्चे? 2 बच्चे है तो नॉर्मल है, छोटे छोटे, ये बकरी आप देख रहे हैं 25-30 kg की है, 2 बच्चे नॉर्मल, उसके बाद जो बड़ी लिए तो ऐसे 3 बच्चे देने की कैपेसिटी उसकी। बहुत अच्छी फ्रेम है, 3 अच्छी एकदम प्योर उस्मानाबादी बोले तो। मेन क्या है, गर्दन से प्लस सींगों से पहचानी जाती है जी। ये आप देख रहे हैं ना गर्दन उसकी, पतली गर्दन रहती है, पतली गर्दन रहती है, सींग पीछे रहते हैं, छोटे कान रहते हैं, 4 दांत में है। जबरदस्त। दूध की कैपेसिटी कितनी होती है? दूध की कैपेसिटी भी इसकी अच्छी है, 1 लीटर से ऊपर इसका दूध रहता है, बच्चा मतलब बहुत अच्छा रहता है। ये देखो आप, शाइनिंग देखिए पहले, शाइनिंग क्या बहुत, और इनके छोटे बच्चे पे वेलवेट लगता है मेरे को, बहुत अच्छा। और इसका मेन क्या है, दूध में भी मटन में भी, अब तीनों में यूज कर ले सकते हैं, फार्मिंग में भी। अभी ये अदंत है, ये एज अ ब्रीडर यूज कर रहे हैं। मैं अभी दूसरा भी दे रहा हूं, 2 दांत है, 40 kg का समथिंग वेट है, ठीक है, एज अ ब्रीडर यूज कर रहे हैं। अभी ये अदंत है, हां आइए, ये 80 kg तक वेट जाता है इनका, अदंत बच्चा है, अदंत है, 80 kg 90 kg तक नॉर्मल जाता है। कितनी बकरी पे एक बकरा रखो आप सजेस्ट करोगे? 10-15 तक रख सकते हैं, किसी की कैपेसिटी के ऊपर है, 10-15 बकरी पे एक बकरा बस हो गया, नॉर्मल चलता है, हीटिंग पावर अच्छी है उसके अंदर, सही है। एंड इसके अलावा दूध भी बता दिया आपने इसका, बहुत अच्छा है। एंड इसके अलावा अगर कोई इससे क्रॉस ब्रीड करे तो कौन से नस्ल लगाना चाहिए? आप सिरोही से भी लगा सकते हैं, मेन इसका अच्छा रिजल्ट बीटल में है, बीटल में वाइट आ रही है, हाँ जी हाँ जी, वाइट आइज में, तो इसमें कान लंबे आते हैं बच्चे के, प्लस दूध अच्छा आता है, दूध भी अच्छा आता है, हाइट ग्रोथ भी अच्छा हो जाता है जी, बहुत अच्छी क्वालिटी है। सबसे ज़्यादा माल अपना कौन से क्षेत्र में जाता है? सबसे ज़्यादा मेरा बेंगलोर में, बेंगलोर उड़पी कारकला जी, हाँ ये साइड में पूरा दक्षिण कनाडा, पूरा कर्नाटक, ऑल ओवर कर्नाटक का ज़्यादा है, सही है। सेकेंड टाइम इधर बॉम्बे वगैरह बहुत कम है, 20% है, 80% पूरा इधर ही है, इधर ही है। तो किसको भी नया फार्म अगर डालना है तो उसके लिए अच्छी ब्रीड, जिसको डालना है, मेरा नंबर है
डिस्क्रिप्शन में, बाकी स्क्रीन पर भी मिल जाएगा। और आपका खुद का यूट्यूब चैनल भी है माशाल्लाह। यूट्यूब चैनल क्या नाम से आपका? लकी गोट फार्म गुलबर्गा के नाम से है। लकी गोट फार्म गुलबर्गा। हाँ जी, हाँ जी। और किसी को आपका फार्म विजिट करना है तो कौन सा फार्म आ सकते हैं? इसमें जो जिधर पास गिरता है ना, इधर पास है तो इधर आ सकते हैं। ये शोलापुर के करीब? शोलापुर के करीब है, 40 किलोमीटर है जी। बाकी उधर आने का है तो गुलबर्गा कर्नाटक, ये कर्नाटक वाले उधर ही चाहते हैं जी, उधर आ सकते हैं। बहुत अच्छा है, सही। चलिए, कुछ जानकारी होना है मेडिसिन वगैरह की, या कोई बकरी बीमार है, रात को 12 बजे फोन करे तो मैं रिजल्ट देता हूँ। माशाल्लाह, तो कुछ बकरी और देखते हैं हम लोग। काफी अच्छी नस्ल की बकरी है, देखो पूरा उस्मानाबादी। ये देखिए, मैंने इनकी गर्दन पतली रहती है और सींग पीछे की तरफ रहते हैं। और इनकी डीवॉर्मिंग वगैरह आप कर लेते हैं? डीवॉर्मिंग वगैरह करते हैं, हर 3 महीने को डीवॉर्मिंग करते हैं, और ओपन ग्रेजिंग में भी 2 घंटे के लिए भेजते हैं। अच्छा, ये अच्छा आपने पॉइंट टच किया, इनको ओपन ग्रेजिंग में पालना बेहतर है कि मेन क्या है, अच्छा इनका इम्यूनिटी पावर अच्छी रहती है। और स्टॉल फीडिंग में भी पाल सकते हैं? स्टॉल फीडिंग में भी पाल सकते हैं, और हर क्लाइमेट को सूट होती है, बारिश ठंडी गर्मी कौन सा भी, तीन मौसम है, तीनों चारों मौसम में ये सेट हो जाती है। बिल्कुल उस्मानाबादी का ये वो है, रजिस्टर ब्रीड है ये। अभी इनको ग्रेजिंग करा के लाए ना भाई? ग्रेजिंग करा के लाए, अभी 2 घंटे करा के लाए, अब फार्म में रखेंगे छांव वगैरह, अब इधर का खाना चालू होगा। तो दोनों तरीके से सेट है, दोनों तरीके से, क्योंकि फार्मिंग का मैंने, ये बेंगलोर जा रहा है माल जी, सोमवार के दिन ये नंजनगोड़ करके एक बेंगलोर में जगह है, नंजनगोड़ के लिए सोमवार को गाड़ी निकल रही है 40 पीस की। सही, 40-45 पीस। तो अगर किसी को कम माल चाहिए, कम से कम कितना ऑर्डर दे सकते हैं? मिनिमम 20 दिए तो सामने वाले को भी वर्कआउट होता है, हमारे को भी। ट्रांसपोर्टेशन? हाँ, ट्रांसपोर्टेशन में 30 से ऊपर लिए तो फ्री देता हूँ। जब फ्री भी दे देते हैं? हाँ, फ्री भी देते हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं। सही है। और आप रेट क्या है इसका मांगते हैं? रेट का केजी का है मेरे पास 350 का, ये फीमेल का है, 400 मेल का है। ठीक है। एंड इसके अलावा अगर किसी को कोई और नस्लें चाहिए यहाँ पर? और नस्लें भी मेरे पास, आप क्या क्या नस्ल में काम करते हैं? मेरे पास सिरोही है, सोजत, कोटा, तोतापरी, बीटल, बारबरी, ये 6-7 ब्रीडा हैं। लेकिन आप सबसे ज्यादा बोलते हो कि उस्मानाबादी? सबसे ज्यादा उस्मानाबादी क्या है, बीमारी वगैरह कम रहती है, नए ग्राहक रहते हैं, नए ग्राहकों को नहीं मालूम होता जानकारी, जानकारी नहीं मालूम होता नुकसान खा जाते हैं, लाखों रुपए का शेड बना को ये बकरियों में नुकसान खा जाते हैं, फिर उनको दिल हट जाता है बकरी फार्म से, नुकसान हुआ, ये हुआ, वो हुआ बोल के। उसके लिए मैं पहले सजेस्ट करता हूँ कि 10-20 बकरियाँ उस्मानाबादी लेना जी, स्टार्ट करना, स्टार्ट करने के बाद थोड़ा एक्सपीरियंस आ जाए तो उसके बाद दूसरी नस्ल में काम कर ले सकते हैं। सही है। आप जो ब्रीड बोलेंगे वो ब्रीड मैं अवेलेबल करा के देता हूँ, अच्छी क्वालिटी में, मेरी सिलेक्शन ब्रीड रहती है पूरा। बहुत मज़ा आ गया आपका उस्मानाबादी कलेक्शन देख के। अभी और आ रहे हैं क्या बात है, अभी और आ रहा है 41 पीस अभी आ रहे हैं, और वो कल जाएगा बेंगलोर, बेंगलोर के लिए। और अपने गुलबर्गा के फार्म पे है अभी? हाँ, गुलबर्गा के फार्म पे है। वहाँ कितने बकरे? हैदराबादी है। अच्छा, और बीटल क्या है, तो बारबरी है, सभी। मैं ट्रेडर हूँ, मेरे पास कभी कोई माल रहता भी है, नहीं भी रहता। अच्छा, मतलब जैसा माल आए बेचो? हाँ, ट्रेडिंग रहता है। सही है। और अभी किसी भाई को होना है तो मेरे को संपर्क करें, 1-2 दिन का 3 दिन का टाइम दें और वो होता है। और आपका जो खुद का यूट्यूब चैनल है उसको लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लकी गोट फार्म गुलबर्गा। माशाल्लाह, बहुत अच्छा काम कर रहे उस्मानाबादी नस्ल में, काफ़ी कम लोग इतने अच्छा काम कर पा रहे हैं, जहाँ पर ये आपको फुल सेट बकरियाँ दे रहे हैं माशाल्लाह। इनका इम्यूनिटी सिस्टम काफ़ी अच्छा होता है, दूध का पावर अच्छा होता है। ठीक है, ये पूरी टीम भी है क्या आपके साथ? मिलाएंगे लोगों से आप प्लीज़? दादा है, नमस्ते। नमस्ते, कैसे आप साहब? ये बकरे 2-3 बकरे बच्चे देते हैं, 13 महीने। अच्छा। दो बार जनते हैं 13 महीने में। और क्या खासियत है इनका? दूध कितना आता है? दूध 1 लीटर से डबल पास निकलते हैं वन टाइम। हाँ, एक टाइम। मतलब 2 टाइम देती है दिन में? 2 टाइम पिल्ले बच्चे तरीके सकाळ भर बच्चे राना सुटले नंतर। और आपके हिसाब से कितने बच्चे देती है एक टाइम पे? 2-3। ज्यादा देखे हो इससे आपने कभी? ना ना, ज्यादा ना, 3-5 देखो मैं। अच्छा, 5 मेरे पास वीडियो है। हाँ, 5 का मैं बेंगलोर के लिए माल भेजा। हां, वो एकांदी जीती 4-5 पिल्ले नहीं, एकांदी जीती है, लेकिन रिकॉर्ड है ना मेरे पास, मेरा ही माल गया था। बीमारी वगैरह में कैसी है? बीमारी नहीं, क्या कुछ नहीं, ये बकरे उस्मानाबादी बीमार पड़े थे ना, ये दिखे 5 बच्चे हैं माशाल्लाह। बच्चों का स्किन कितना मुलायम होता है इनका, वेल्वेट जैसा? हाँ, वेल्वेट केसर का रहता है, बहुत अच्छी क्वालिटी में, 7 है ना। हाँ, तो ये 5 इधर से ही गया था हमारे फार्म से। और इनका जो कलर है ब्लैक ही आएगा? हाँ, ब्लैक आता है, और कोई कलर? व्हाइट भी मिक्स भी आते हैं, आ जाता है व्हाइट मिक्स। तो हमारे भाई बहुत दूर से भी आए आज, तो आपको कैसी लगी है नस्ल? बहुत अच्छी लगी जी। शाफजल भाई, आप बताओ।
ये तो उस्मानाबादी, तो ये पूरे यहाँ से पुणे से लेकर कर्नाटक तक ये पूरे क्षेत्र में ये फैली हुई है। बहुत अच्छी नस्ल। हाँ, और ज़्यादातर उमूमन जो कर्नाटक के जो लोग हैं या पुणे सोलापुर, ये उस्मानाबादी का ही गोश्त पसंद करते हैं। इसके लिए इसके अंदर चर्बी की जो मादा है बहुत कम है। चर्बी जो होती ना, उसकी चर्बी की मात्रा इसमें बहुत कम चर्बी का रहता है। और ये जानवर ऐसा है कि लो मेंटेनेंस के, इसका मेंटेनेंस बहुत दो है। काम भी नहीं बनाए तब भी पाल, हाँ, पाल सकते हैं। और अमूमन मेरे गांव में भी ऐसी है कि भाई 50 बकरी तक विदाउट फार्म के पाल जंगल सकते में लोग क्या करते हैं 20 लाख रुपए फार्म बनाए, 2 लाख की बकरियां लाए, वो सबसे पहले फार्म बंद होने के 10 कारणों में नंबर वन हुआ। लक्की भाई का ये कहना है कि भाई भाई इतना फार्म का सेटअप बनाए और इतना पैसा लगाए, और लगाना ही है तो आप पहले शुरुआत करना है, तो आप ये ब्रीड से शुरू करो। और कोई कमी नहीं है ब्रीड में, मेरे को लग रहा है नहीं है, नंबर वन ब्रीड है, सबसे फेवरेट ब्रीड यही है। लोग बोर है, वो है, वो कुछ क्या भी नहीं है। लेकिन भाई साहब, और ये रजिस्टर्ड ब्रीड है, रजिस्टर्ड ब्रीड है, CIRG में इसका नाम चिन्हित हुआ हुआ है। सही है, तो आपका नंबर तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जी, उस्मान गोट फार्म, माशाल्लाह उस्मान गोट कम उम्र में अच्छा काम कर रहे हैं। उम्र में आए मिलने के लिए बहुत अच्छा लगा, और आपसे भी बहुत सीखा है इन्होंने आज, माशाल्लाह सिखाएंगे, सब कुछ सीखने मिल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह आपके जरिए। सीखने की उम्र ऐसी रहती है, बचपन क्या बुढ़ापा क्या, जितना सीखे उतना कम है ये लाइन में। सही है, ये भी एक मेल बच्चा है, पकड़ो जी उस्मान। अच्छा दिखा सकते हैं ना, दिखा सकते हैं, शाइनिंग बहुत अच्छी रहती है ऐसी। और वजन में कितना जाते हैं मेल ब्रीडर? वजन में 80+ मैं देख रहा हूं अपने फार्म का बता रहा हूं। अंडुल, हाँ अंडुल। और खस्सी तो फिर 100 टच का तो कैसे भी पाल सकते हैं, उसको बोल नहीं सकते, 100+ नॉर्मल। और खाने में जैसा बाकी जो नस्लें बहुत नखरे करती है, हरी पत्ती खाएंगे, तुम्हारे पास जो है एक टाइम को डाल सकते हैं, सब खाते हैं। मैं 5 उसका मिक्स करके डालता हूँ दाना, पूरा गेहूं ये वो सब पूरा मिक्स। बहुत शौक से खाती होगी, बहुत अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर, ये पूरा सेटअप देखा हमने। मैं अभी बकरियां फिर दिखा देता हूँ, सब बकरियां देखो आराम कर रही हैं, एकदम ग्रेजिंग में से सब बकरियां आई हैं। अभी ये शेड में जाएंगी और वहाँ आराम करेंगी, शाम तक इनको वापस से एक बार स्टॉल फेड किया जाएगा। तो देखिए ये तरीका ऐसा है कि इनको ग्रेजिंग पे भी रखा जाए और इनकी स्टॉल फिलिंग भी कराई जाए, ताकि दोनों, बकरा भी देखो काफ़ी गर्म ब्रीडर है माशाल्लाह, ज़बरदस्त ब्रीडर ऑफ लक्की गोट फार्म माशाल्लाह। धन्यवाद आपले, धन्यवाद। बकरियाँ ज़्यादा गाबन है क्या लक्की भाई? यावन में ज़्यादा काम होता है मेरा, क्योंकि फार्म वाले पूरा यावन का इस्तेमाल लेते हैं। 3 महीने की प्रेगनेंट में देता हूँ ऑलरेडी, जिससे कि क्या 4-5 महीने की गाड़ी में भेज देता हूँ, बच्चे गिरने का चांसेस ज़्यादा रहता है, तो उसके लिए 3 महीने की दिए तो नॉर्मल रहता है। गाड़ी में नीचे घास वगैरह डाल के पूरा फुल सेफ्टी के साथ। और इनको वैक्सीनेशन करना पड़ता है? वैक्सीनेशन नहीं, मैं इधर से करके देता हूँ, ताकि क्या भी छूट जाता है तो बोल देते हैं सामने कर लेते हैं, वो वैक्सीनेशन का उतना खर्चा नहीं है। खाली जो जो फार्म पे आप माल देते हो, क्या आप वहाँ पर विजिट करते हो बाद में? बाद में बुलाए लोग प्यार से तो जाते हैं, वैसे टाइम ज़रा कम रहता है, फिर भी फ़ोन से क्या भी ज़रूरत रहती है तो बोल देता हूँ। उस्मानाबाद की इतनी प्यारी नस्ल है आपके पास, बहुत अच्छी दूध में भी, माल कम है अभी और आ रहा है, ठंड में भी जी, ठंड में भी चलती है, बारिश में भी, नॉर्मल शेड में कैसे भी पाल सकते हो। तो आपके ये दो नंबर है लक्की भाई? हाँ जी, मेरा नंबर 05 का, नीचे मैनेजर का नंबर है, मेरी मैनेजर है आसमा जी करके है नाम। और लक्की भाई से अगर बात करनी है आपको तो व्हाट्सएप भी कर सकते हैं आप, 05 पे है, 9740927905। और भाई का जो YouTube चैनल है इसको प्लीज़ और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लक्की गोट फार्म कर्नाटका, गुड्डू 9740927@gmail.com भी इनका जो है ईमेल आईडी है। ये वायरैक डिस्ट्रिक्ट सोलापुर में हम लोग अभी, लेकिन इनके नेक्स्ट फार्म पे जाएंगे अभी हम लोग, गुलबर्गे के फार्म पे अभी निकलेंगे हम लोग, तो रास्ते में भी अगर कुछ दिखा तो वीडियो बताएंगे हम लोग, एक वीलॉग बनाएंगे। पर बकरे देखें आप, ग्रेजिंग पे आए लेकिन स्टॉल फीड पे भी एकदम सेट बकरे माशाल्लाह। ये उस्मानाबादी नस्ल है जो बीमारियों से भी काफ़ी बची हुई है, ग्रेजिंग करते हैं मेल ब्रीडर। ये फीमेल्स देखें आप, अच्छे आंचल में दूध की अच्छी बकरियां हैं ये।
ये अभी इनको कुछ खाने को दे रहे हैं। क्या है भाई खाना, क्या है ये? ये अच्छा शौक से खाता है। ये देखो सुखा के रखते हैं लोग। ये पाला है, आप लोग देख सकते हो कितना प्यार से खा रहे लोग। लकी गोट फार्म इन शोलापुर एंड इन गुलबर्गा। अभी आपको मैं जो छोटे बच्चे हो गए वो दिखाता हूँ। एक दो बकरी बच्चा दी है, ये ग्रीजिंग पे नहीं जाते हैं, ये यहाँ पर ही ठहरते हैं। देखिए आप खाना उन लोग शौक से खा रहे हैं पाला। ठीक है गोद में लो भैया। ये कितने दिन के बच्चे हैं भैया? कितने दिन के बच्चे? अरे कितने, 15 दिन के बच्चे माशाल्लाह। बकरी फार्म में, वाह देखो आप प्योर उस्मानाबादी, बहुत ही प्यारे बच्चे हैं ये। ये सिर्फ अभी दूध पीते हैं दादा, दूध पीते हैं। अच्छा इन लोग बाहर नहीं जाते घूमने ना माँ के साथ? ना, दो तीन दिन ही हो गए ना इनको। ठीक है तो इनको कितने दिन तक ऐसा रखना पड़ता है अंदर? 10-15 दिन, फिर उसके बाद जाएगा माँ के साथ। बहुत प्यारे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं ये, 2-3 दिन के। बहुत ही प्यारे बच्चे हैं, इनकी स्किन एकदम वेलवेट जैसी होती है। दो बच्चे तो देते ही हैं ये। देखो आप चारा खाते हुए, मैं भी आपको वीडियो दिखा रहा हूँ। सेम का भूसा है, सेम का झाड़ रहता है। ये जो उसका पाला बच जाता है, वो निकाल लेते हैं। ये पाला बचता बहुत अच्छा, इसको सुखा के खिलाते हैं। ये दूध देने की क्षमता बढ़ती है इनकी, और इसके अंदर क्योंकि सेम का जो तेल की मात्रा भी होती है, इसके लिए इनके अंदर शाइनिंग भी आने को आपको दिख रही है। ठीक है ये महाराष्ट्र में ये पेंडे आपको देखने मिलेंगे। महाराष्ट्र की जितनी नस्लें हैं उनको ये खिलाया जाता है। बहुत अच्छे माशाल्लाह, लो कॉस्टिंग जानवर है दोस्तों। मतलब कम खर्चे में आप ये नस्ल से शुरुआत करें अपने फार्म की, दूध की मात्रा बढ़ाएं, बच्चों की मात्रा बढ़ेगी। मीट पर्पज़ के लिए काफ़ी अच्छी नस्ल मानी गई है। ठीक है इसके अंदर सिंग ज़रूर आती है, मुंडी बकरियाँ काफ़ी कम है, इसकी सिंग नहीं है। देखें आप मुंडी बकरी है। तो बहुत मज़ा आ गया आज ये वीडियो बना के, और उस्मानाबादी गोट फार्मिंग देख के। लक्की भाई का फार्म है ये, आप लोग आइए विज़िट करें। और बेंगलोर में, मैंगलोर उडुपी वहाँ पर ये माल बहुत जा रहा है। देखें आप अभी ये चाचा, ये क्या लाए चाचा? क्या है वो? जवारी का करवा। ये भी खाते हैं? अच्छा ये देखें अभी एक नई फीड लाए हैं चाचा, जवारी का कड़वा बोलते हैं इसको। और ये भी काफ़ी अच्छा होता है इनके खाने के लिए, इसके अंदर फाइबर की मात्रा ज़्यादा होती है। ठीक है तो ये खाने से भी इनको अच्छा महसूस होता है, पानी ज़्यादा उठाते हैं। ये भी दिखाया हम लोग ने, सेंग का है वो, है ना, वो भी बहुत अच्छी चीज़ है खाने में। सो लक्की भाई मैंने वैसे तो सब समझा दिया हूँ, आप कुछ एक लास्ट कमेंट देना चाहेंगे लोगों के लिए? मैं वही बोलता हूँ, थोड़ा सोच समझ के फार्म में, सबसे पहले गलती जो फार्मर्स करता है यही करता है। दूसरे के फार्म में गए, उसका 50 लाख का फार्म है, मैं भी 40-50 लाख का बनाऊंगा, उनका बजट 20 लाख का है। सबसे पहले जो गलती मैं देखा हूँ 80% यही होता है। मतलब आप साफ साफ बोलना चाह रहे हो कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा मत करो। हाँ जी हाँ जी, मैं क्या बोल रहा हूँ, 20 लाख का आपका टारगेट है, 2 लाख का शेड बनाओ, 18 लाख की बकरी लो, वो तुम्हारे को फायदा देंगी। शेड तुम्हारे को फायदा, शेड थोड़ा कुछ फायदा देगा, तोड़ोगे तो 2 लाख का फार्म है खाली। और गुलबर्गे का भी सेम है, 2 लाख का। मतलब फार्म पे आप ज्यादा खर्चा नहीं करते? खर्चा नहीं करते, लोग आके बोलते हैं इतना गंदगी है वो, हम मेन ब्रीड पे काम करते हैं। ब्रीड पे काम करते हैं, ये आपकी मेन है। पहले वो मेन है, मेरे पास 200 बकरियां आती हैं एक साथ उधर। सही है, और ऑल ओवर कर्नाटक में जाती है, कर्नाटक और इधर बेंगलोर, तुम्हारा इधर पुणे बॉम्बे, महाराष्ट्र की ब्रांडिंग होती है। 20% जाते हैं लोग, लेते हैं कटिंग के लिए। सही है, बाकी सबसे ज्यादा कर्नाटक प्लस विजयवाड़ा आंध्रा में, विजयवाड़ा आंध्रा प्रदेश, आंध्रा वाले बहुत आगे लेके जाते हैं। सही है, बहुत बहुत शुक्रिया अपना टाइम देने के लिए, कीमती समय देने के लिए। ठीक है ये वीडियो हम लोग ख़त्म करेंगे, दो बच्चे हैं वो दिखा देते हैं, फिर वीडियो ख़त्म कर दें।
सो मैं पूरे आपकी टीम का भी बहुत शुक्रिया करता हूँ, बहुत मेहनत करते भाई। पूरा रात देखते नहीं, दिन में रात को 2-2 बजे गाड़ी लोड होती है। हाँ, जैसे दादा भी है यहाँ, ये बहुत साल से काम कर रहे हैं, 30 साल से काम कर रहे हैं बकरी का, ग्रेजिंग का ही काम करते हैं। ग्रेजिंग का पूरा इधर देखते हैं, चारा पानी में देखा सब डाल देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप ले आभारी आए, और हमारे शाहफजल भाई भी आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उस्मान गोट फार्म, आपका भी शुक्रिया, और ख़ास करके हमारे लक्की सर जो माशाल्लाह इतना अच्छा काम कर रहे हैं। आप एक बार आके लक्की सर से मिलिए और इनका सेटअप देखिए, और इनसे प्लीज़ एक बार माल खरीदें। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आपका नंबर डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, और अभी यहाँ से चलेंगे आपके गुलबर्गा के फार्म पे, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।